तो आप सभी का स्वागत है मेहंदी के पार्ट टू में। अरे वाह सीता, दूल्हे वाले तो आ गए। अरे वाह पिंकू, कितना हैंडसम दिख रहा है। अरे पिंकी की बच्ची, तुम मुझे इतना चिपक के क्यों बैठी है? जरा उधर छलक के बैठना। अरे पिंकू के बच्चे, ज्यादा इतलाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो तेरा चौहाना के सामने बांधा फोड़ लूंगी कि तू बगल नहाए धोए के कपड़े पहन कर आ गया है। इतनी गंदी पसीने की बाश आ रही तेरे पास में कि दो तीन चूहे तेरी बात सुन के ही मर जाएंगे। आज तेरी मेहंदी है, फिर भी तूने नहाया नहीं है। चूहे सड़ी बोए आ रही है तेरे पास में, वो तो मैं सहन करके बैठी हूँ, जगह नहीं है जिप के अंदर। तो अरे सही बात तो ये है, मैं इसलिए से चिपक के बैठी हूँ ताकि सुहाना को जलन हो। अल मेरे हिसाब से सुहाना जल भी लगी है। अरे ये क्या, पिंकी तो पिंकू को कितना चिपक कर बैठ कर आई है, मुझे तो जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। चलो जाने दो, मैं अपना मूड खराब नहीं करती हूँ, नहीं तो मेरी मेहंदी ही खराब जाएंगी। अरे भाई, मैं कब से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन मुझे कोई भी अच्छी डिजाइन नहीं डाल रहा है। सोफिया ने तो मेरा हाथ ही खराब कर दिया था। चलो अच्छा हुआ मैंने हाथ धो दिया। चलो जाने दो, ऐसे ही बैठता हूँ, कोई ना कोई मुझे डाल ही देगा। अरे ये क्या, ये कुर्सी मुझे कुछ जानी पहचानी दिख रही है। अरे कलमुहे, मैं बताती हूँ वो कुर्सी जानी पहचानी क्यों दिख रही है। तेरे सर पे उठा के मारू कुर्सी, मारू गेंडिया, मुझे घर में ही भूल के आ गया। मैंने कहा कि सीता बहू को स्कूटी पर ले जाकर मंडप में छोड़ के आ और फिर मुझे ले लेना, लेकिन ये गेंडिया बचपनी से ही भुलक्कड़ है, मुझे घर में ही छोड़ दिया। मैं कब से बैठी बैठी इंतजार कर रही थी, ये कलमुहा अब आएगा, जब आएगा, अब आएगा, जब आएगा, लेकिन ये कलमुहा तो आने का नाम ही नहीं लेता है। मच्छरों ने काट काट के पूरा सुझा दिया। मैंने कहा था तुझे मुझे जल्दी लेने आना, लेकिन ये गेंडिया यहाँ पर ये सोचते बैठा है कि खाने में आज क्या पक रहा है। मारू मारू ये कुर्सी तेरे सर पे। नहीं नहीं मारती हूँ, अरे तुझे बताती हूँ मैं। अरे माँ, अरे माँ माफी चाहता हूँ। अरे राम जी आप मुझ पर आकर बैठ गए। अरे राम जी उधर सर की है। अरे गेंडी है, उठ, राधा बहू के ऊपर बैठ गया, अब तो तू गया। अरे माँ, अरे माँ मुझे छोड़ दो। अरे ना जाने माँ के अंदर इतनी शक्ति कैसी क्या आ गई है, ऐसा लगता है कि बोल मीठा पीने लग गई है। अरे सीता बचाओ ना मुझे माँ से। अरे माँ जी, माँ जी सुनिए जरा, देखिए कितने मेहमान हंस रहे हैं। माँ जी, अरे गेंडिये आज तू सीता बहू की वजह से बच गया, नहीं तो मेहंदी के दिन तू मेरे हाथ से हरा पीला नीला हो जाता था। अरे माँ भी ना, सबके सामने मुझे गेंडिया बोल बोल के मेरी इज्जत निकाल रही है और सबके सामने मुझे कुर्सी उठा के मारने चले आई। चलो अच्छा हुआ वो तो सीता ने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मेरा टकला ही फूट जाता था। चलिए माँ जी आप यहाँ पर बैठ जाइए, यहाँ पर बहुत अच्छी हवा चल रही है, आपको यहाँ पर मच्छर नहीं काटेंगे। हाँ सीता बहू बैठती हूँ, मेरी सीता बहू ही मेरा ख्याल रखती है। चलो राधा सीता मेहमान आ गए हैं, हम उन्हें लेकर आते हैं। अरे तुम माँ बेटे तैयार होने को कितना ज्यादा टाइम लगाते हो, तुम्हारी ही वजह से लेट हुआ है। अरे ये क्या, पायल जी सीता जी सब मेरी तरफ ही आ रहे हैं, अब वो मुझसे पूछेंगे कि तुम्हें इतना लेट कैसे क्या हुआ है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी। अरे चमेली दीदी तैयार होने के लिए टाइम लग जाता है, आप देखो चमेली दीदी मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ। अरे मम्मा हम दोनों भी तो खूबसूरत लग रहे हैं। अरे प्रीति तुम्हें और तुम्हारी बेटियों को तैयार होने में कितना ज्यादा टाइम लगता है, तुम्हारी वजह से मेरी पिंकू की मेहंदी रह जाएंगी। और प्रीति तुम्हें जरा सी भी शर्म है, तुमने इतने शॉर्ट्स कपड़े पहन कर आए हैं, जैसी माँ वैसी बेटियाँ, बेटियों ने भी इतने शॉर्ट्स कपड़े पहन कर आए हैं, मुझे तो जरा अच्छा नहीं लग रहा है। माँ बेटियों ने इतना टाइम लगाया है जैसे कि तुम्हारी ही शादी हो रही है। यहाँ मैं दूल्हे की माँ होकर वही पुरानी फटी हुई साड़ी पहन कर आई हूँ, मेरे बेटे की मेहंदी है और मैं ही भिखारन दिख रही हूँ। दे दो दे लाई, दे दो दे लाई दिला दे बाबा, दे लाई दिला दे टिंगलिंग लिंग। अरे ये क्या चमेली जी कैसी बातें कर रही है। अरे दीदी क्या कहीं पर भी शुरू हो जाती हो आप, वो देखिए सीता पायल जी सब आपको देखकर हंस रहे हैं। अरे वाह चमेली जी आप आ गई, चलिए आप जल्दी से मेहंदी की रस्में शुरू करते हैं। अरे हाँ पायल जी माफी चाहते हैं, थोड़ा लेट हो गया, चलो अब जल्दी से मेहंदी की रस्में शुरू करते हैं। अरे पिंकू सही में तुम आज बहुत हैंडसम लग रहे हो। अरे थैंक यू सुहाना, वो तो मैं बचपन से ही हैंडसम हूँ और वैसे तुम भी बहुत खूबसूरत लग रही हो, ऐसा लग रहा है कि आसमान से हली कलर की पली उतली है। अरे देखो अभी तो शादी हुई नहीं और ये दोनों भी बातें मतलने लग गए, चलो मैं भी जाती हूँ स्टेज पर बैठती हूँ।
अरे वाह, ये दुल्हन दूल्हे की कुर्सी तो कितनी ज्यादा नलम है, और हमें प्लास्टिक की कुर्सियों पे बिठा लाए थे। मैं तो यहाँ पाली बैठूंगी बीच में, देखती हूँ मुझे कौन उठाता है। अब तो मैं ये कुर्सी से ऐसी चिपक गई हूँ कि फेविकॉल भी नहीं चिपकाता है एक दूसरे को। कितना मजा आ रहा है ये नलम नलम गद्दे पे बैठ कर। भले आए चूहे ना पिंकू गद्दी का मजा लेने, मैं भी बैठ गई हूँ। अरे वाह, क्या अच्छा लग रहा है। अली सोफिया, देखो ना पिंकी कैसे बीचों बीच जाकर बैठ गई है। चलो ना हम भी सुहाना के बाजू जाकर बैठते हैं। चलो सोफिया। अली वाह, स्टेज पर बैठने का मजा ही कुछ और है। अली ये क्या, देखो तो सही, सोफिया कैसे स्टेज पर जाकर बैठी है और पिंकी भी जाकर बैठी है, और हम यहाँ पर इतने पीछे बैठे हुए हैं, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। चलो चिंकी मिंकी, हम भी स्टेज पर जाकर बैठेंगे। अरे चिंकी, तुम कितनी मतलबी फ्रेंड हो, कैसे अकेले कुर्सी पर जाकर बैठ गई हो। चिंकी हमें भी जगह दो, हमें भी दुल्हन दूल्हे के बाजू में बैठना है। अरे मिंकी लिंकी, अब स्टेज पर फूल जगह हो गई है, पहले मैं आकर बैठी हूँ, अब तुम नीचे जाकर बैठ जाओ, यहाँ पर जगह नहीं है। चिंकी मैं भी बैठूंगी, यहाँ तो थोड़ी सी जगह थी, तो पहले चिंकी मैं भी बैठूंगी, मुझे भी बैठना है। अरे ये क्या, ये लिंकी और चिंकी फिर से साथ में बैठ गए हैं मुझे अकेला छोड़ के। मैं क्या आसमान में लटक जाऊँ, मुझे भी बैठना है। चलो हाँ तो मैं भी बैठूंगी, मुझे देखी तो मैं बीच में बैठूंगी, मैं बैठूंगी बीच में। हाँ तो अरे ये क्या, सबके सब पागल हो गए हैं, दस मस के स्टेज पर ही बैठना है सबको, मेरी देख कर नकल कर रहे हैं सबके सब। अरे पिंकी तुम नीचे उतर जाओ ना, यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं है और तुम बीच में आकर बैठ गई हो। अरे चूहना मैं यहाँ पर ही बैठूंगी, तुझे जो करने का कर ले। मैंने कहा ना कि मैं फेविकॉल की तरह चिपक गई हूँ, फिर मुझे क्यों बार बार कह रही हो। मैं तो यहाँ से नहीं उठने वाली हूँ, किसी में दम है तो मुझे यहाँ से उठा के बताए। अरे चलो मेहंदी की रस्में शुरू करते हैं। अरे ये क्या, ये जीप तो यहाँ पर ही खड़ी हुई है। अरे राहुल जी, आप जरा ये जीप पार्किंग में लगा देंगे क्या। हाँ पायल जी, अभी आ रहा हूँ। मैं हूँ रजविंदर, लगता हूँ बंदर, फिर भी लोग कहते हैं मुझको छुछुंदर। अरे ये क्या, मेरी चौहाना की शादी हो रही है, देखो तो सही उसके हाथों में कैसी मेहंदी लगाई जा रही है। माई जरा आके देख मेरा कितना बुरा हाल हो गया है। अरे नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, मैं सुहाना की मेहंदी होने ही नहीं दूंगा। देखो अभी मैं कैसा बिगाड़ा करता हूँ मेहंदी का। मेरी सुहाना, मैं आ रहा हूँ, मेरी सुहाना, मेरी सुहाना। अरे वाह, आज तो मैं क्रिश की तरह उड़ा हूँ, बड़ा मजा आया। और मैं ये कौन सी सुंदरी की गोदी में आकर बैठा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। अरे ये कौन सा मोटा धेमचा मेरे ऊपर आकर गिर गया है। अरे मोटे धेमचे जल्दी से उठ, देश तो मेरा दम निकल जाएगा। अरे मम्मा मुझे साथ लेने में तकलीफ हो रही है, अरे कोई तो इस मोटे को उठाओ। अरे पिंकी बैठती ना तू बीच में, और बैठ काकू उठ के जाली, बैठ बैठ और बैठ। अरे वाह, मैं तो बार बार बच गई इस रजविंदर छुछुंदर से। अरे मम्मा देखिए ना ये छुछुंदर कैसे आ गया है। अरे राहुल जी देखिए ना ये छुछुंदर फिर से आ गया है, इसे जरा गाड़ी से उड़ा ही दीजिए, बहुत परेशान करके डाला है, फिर पूरे गांव में फिरते फिरेगा छुछुंदर बन के। अरे रुक, तुझे बताता हूँ मैं, मेरी बेटी की मेहंदी खराबा करने आया है तू। अरे माफ कर दीजिए सेठ जी, अरे मैं फिर से ऐसी गलती नहीं करूंगा माई। अरे ये मोटा ढेमचा कौन था, आज तो मैं मलते मलते ही बची हूँ, इतना ज्यादा वजन। अरे बाप, मेरी जिंदगी में मैंने इतना ज्यादा वजन नहीं देखा। अरे इसके पास से कितनी गोबर की बाश आ रही थी, मेरे पूरे कपड़ों में बाश हो गई है, मुझे तो उल्टी के जैसा हो रहा है, मैं अभी नहाकर आती हूँ मेरे घर से। अरे चलो राधा, मेहंदी की रस्में शुरू करते हैं और सुहाना को मेहंदी लगाते हैं। अरे हाँ दीदी, मैं डालूंगी सुहाना को मेहंदी। अरे वाह सुहाना, तुम्हारे हाथों पर मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है। अरे मेरी बहू कितनी खूबसूरत लग रही है, किसी की नजर ना लगे, और उसके हाथों पर मेहंदी भी कितनी अच्छी लग रही है। अरे वाह राधा मासी, आप तो कितनी अच्छी से मेहंदी डाल रही है, मुझे तो ये मेहंदी बहुत पसंद आ रही है। अरे वाह दीदी, सुहाना की मेहंदी तो बहुत अच्छी से हुई। दोस्तों आ रहा है ना कहानी में मजा, तो चलिए जल्दी से हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।